तो हम जिन शख्सियत के घर पे आए हैं, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अवार्ड्स की लाइन लगी हुई है, और ये सारे ही ऑलमोस्ट रेसलिंग से हैं, कुछ स्पोर्ट्स से हैं, कुछ अलग अलग। आप देखिए यहाँ पर इन्होंने फ़ोटो भी लगा रखी है बॉडी बिल्डर्स की, और ये बीच में जो है यही बैठी हुई हैं, ये वाले जो हैं ये बॉबी जी हैं जो बीच में बैठी हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज शर्मा और मैं एक न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम एक शख्सियत के पास जा रहे हैं जो इंडिया की पहली रेसलर, प्रो रेसलर हैं, और जो खली की छोटी बहन भी मानी जाती है, जिनका नाम है बीबी बुलबुल। तो उनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है। उनका फ़ोन आया था मेरे पास, क्योंकि कोरोना के चलते हुए सारी जगह बंद है, तो उनका फ़ोन आया था कि आप मेरे घर पर आइए और मेरे को ठीक करिए। तो आज हम उनका थोड़ा सा ट्रीटमेंट करेंगे और आपको बताएंगे कि मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर फ्रोजन शोल्डर या सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम से कैसे निजात पाया जा सके। इनका नाम है बीबी बुलबुल और ये इंडिया की पहली फीमेल प्रो रेसलर हैं, और वैसे ही इंटरनेशनल रेसलर हैं मगर इंडिया की पहली प्रो फीमेल रेसलर है। जैसे WWE आपने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा नाम तो ज़रूर सुना होगा, वैसे ही CWE मिस्टर खली हैं, उनके जो फेडरेशन हैं उनके अंदर हैं ये। तो आप गूगल पे या यूट्यूब के ऊपर सर्च करके देख सकते हैं। अभी कुछ टाइम बाद शायद आपकी फ़िल्म भी आने वाली है। हाँ जी, हाँ इनकी फ़िल्म आने वाली है और मैगजीन्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो, मतलब ये रेगुलर रहती हैं। अभी थोड़ा करोना करके तो शायद इस समय तो सब कुछ ही बंद है। बिल्कुल जी। तो आपको ये कैसे लगा, ये मतलब कुछ एक्सरसाइज में या रेसलिंग में क्या कर रहे थे आपकी, आपको? कुछ प्रैक्टिस करते समय या मैच करते समय पता नहीं चलता कि चोट कब लगी है, अच्छा फिनिशिंग काफ़ी टाइम रहती है चोट, अच्छा अच्छा तो इसका पेन हल्का हल्का रहता है। अच्छा अभी हल्का आपके हल्का बारे पे, में बताया किसी ने, अच्छा तो करे कि आप आएंगे तो ठीक है, ठीक है करवाइए, ठीक है मेरा थोड़ा बहुत ठीक दर्द रहता है मुझे। ठीक है ठीक है। तो आज हम कुछ टेक्निक्स आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि घर पे भी आप, अगर मान लीजिए बाय चांस कुछ ज़्यादा सीरियस है मामला, तो आप घर पे भी कैसे कर सकते हैं। और मैं आपको कुछ चीज़ें करके दिखाऊंगा इनके ऊपर, उसके बाद इनका रिव्यू लेंगे, देखेंगे कि इनको कितना फ़र्क पड़ा है। इनको लगभग कह सकते हैं कि फ्रोजन शोल्डर जैसी प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर नहीं है, फ्रोजन शोल्डर जैसी है। ठीक है, एक बारी आप थोड़ा सा हाथ अपना ऊपर उठाइए और बताइए कितना उठ रहा है। ठीक, दर्द होता है यार। जब ये उठाते हैं तो इनको थोड़ा सा दर्द होता है, मतलब वैसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बर्दाश्त करने लायक दर्द होता है हाथ उठा। तो अभी हम इनको पहले इनकी बोन्स को सेट करेंगे, उसके बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो जब आप इसको अपने घर पे करें तो आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको करना ही है और आप अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बस आप देखें, समझें, अगर आपको लगता है मैं कुछ कर सकता हूँ किसी के ऊपर, तो बहुत ध्यान से करें। गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए बिल्कुल। अब हम करेंगे मेडुला। मेडुला एक तरीके की नर्व्स होती है जो हमारे ब्रेन से कांटेक्ट करवाती है हमारा, और वो कान के पीछे होती है। तो हम वो 11 बारी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप दूसरी तरफ से आइए, 1 2 3 4 5 छः सात आठ नौ 10 11। तो 2 बारी का 1 गिना जाता है, मतलब मैंने करे हैं टोटल 22 और वो गिने गए हैं 11, तो 2 बारी का 1 गिना। अच्छा, अब हम इसके बाद करने वाले हैं क्लॉकवाइज, ये बहुत ही अच्छा रहता है, काफ़ी रिलैक्स करवा देता है। तो आपको करना क्या है कि 3 उंगलियों को ऐसे रखना है और अंगूठे को, और बिल्कुल कान के नीचे से आपको स्टार्ट करना है। तो हल्का सा गर्दन को आप मुड़वा देंगे और बिल्कुल आराम आराम से, जैसे जैसे नीचे आएंगे तो सख्त होते जाएगा हाथ।
पूरी पीठ को कवर करना है, मतलब कोई भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई भी हिस्सा छूटता है तो गड़बड़ तो कुछ नहीं होगी, मगर आपको रिलैक्स थोड़ा लेट मिलेगा, और वो हमें चाहिए नहीं। हमें चाहिए फटाफट, ना दवाई खानी पड़े, ना शरीर पे किसी तरीके का कोई इक्विपमेंट्स लगे, तो बिना साइड इफ़ेक्ट के आप कैसे ठीक होंगे न्यूरोथेरेपी से। बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है। तो ये है क्लॉकवाइज, आप इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसको ऐसे करना है, हथेली को लेना है और इसको ये था। ये असल में रेसलर है ना, तो इनको मेरा हाथ हल्का लग रहा होगा नहीं तो कई दफ़ा होता ही है कि पेशेंट जो हमारे साथ बैठे होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं, अरे यार इतना तेज क्यों कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए मेरे को अभी याद आ गया अचानक से कि हथेली से करूँगा तो शायद इनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये भी आपको क्लॉकवाइज ही करना है, मगर करना हथेली से है और पूरी पीठ पे करना है। बस ये ध्यान रखना है कि जब आप गर्दन के पास जाएं तो हल्का रखें, क्योंकि गर्दन की जो मसल्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा टाइट नहीं होती, वो फ्लेक्सिबल होती हैं, तो हम वहाँ पर आराम से करते हैं। हमारे शरीर स्ट्रांग होते हैं, हाँ मगर हाँ इनकी स्ट्रांग होती है, बात सही है, क्योंकि रिंग में उठा उठा के फेंकना तो उसके लिए गर्दन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। पता नहीं है कि नीचे जाते हुए कौन से एंगल पे गिरे। तो आप इस तरीके से पूरी गर्दन को और पीठ को कवर कर देंगे। अब हम इसके बाद करेंगे T1 T2। आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए गर्दन। हाँ, ये जब हम गर्दन को नीचे करते हैं तो एक बोन्स यहाँ पर उठती है, उसको T1 T2 बोला जाता है। तो आपको सिंपली बस करना कुछ नहीं है, दोनों अंगूठे से उस बोन्स को बीच में रखना है और हल्का सा प्रेस करके फिर उसके नीचे, जैसे ही आप उसके नीचे आएंगे तो वो T2 आ जाएगा, फिर वापस ऊपर, फिर नीचे। ठीक, अब सामने देखिए। अब हम करेंगे रमन ट्रीटमेंट। रमन में जब मैं आपको बोलूँगा सांस भरनी है तो आप सांस भरेंगे नाक से, मगर जब छोड़नी होगी तो मुंह से। कैसे छोड़ेंगे? ऐसे आवाज़ करते हुए थोड़ी सी। ठीक है, चलिए सांस को भरें, सांस छोड़ें। तो ये है रमन ट्रीटमेंट। फिर सांस भरें, फिर सांस छोड़ें, फिर से सांस लें और सांस छोड़ें। तो ये सर्वाइकल के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स पहुँचाता है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम आरी चलाएंगे। पहले हम आरी ऐसे चलाएंगे यहाँ पर, तो आपको ध्यान से चलाना है। ये वो वाली आरी नहीं है, ये वो आरी नहीं है, ये हाथों की आरी है। थोड़ा इजी कर दिया गया इसको कि आरी बोल के कि आप आराम से इसको याद रखें। आप पूरी पीठ पे चलाएंगे। आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, इसके बाद में हल्का सा घिसाई कर देंगे ऐसे। ऐसे करने से जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरा कंधों में चलने लग जाएगा और सामने वाले को भी रिलैक्स मिलेगा। तो ये तो वो थी जो मैंने करवाई है। एक मैं आपको लास्ट में बता रहा हूं जिसे आप खुद कर सकते हैं। करना है आपको ये कि अगर शोल्डर में आपके दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, कंधा उतर गया है, या कंधे से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है, तो एक टॉवल ले लेना इतना बड़ा, उस टॉवल को तिरछा करके डालना है। अब मान लीजिए मेरे उल्टे हाथ पे, इस हाथ पे
इस हाथ के कंधे पर दर्द है मेरे, उल्टे कंधे पे, तो आपको ऐसे पकड़ना है इसको। आप चाहें तो कहीं बैठ भी सकते हैं या फिर खड़े होकर भी कर सकते हैं, तो आप आराम से बैठ के करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको इस तरीके से 4-6 बारी करें, फिर नीचे करें, बहुत ज़्यादा नीचे ना करें। फिर इसको यहाँ रखें दोबारा। ये तब के लिए है जब आप अकेले हैं। तो बताइए बाबू जी, आपको कैसा लगा ये ट्रीटमेंट जो आपको किया गया है? नीरज जी, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है जी। मैं तो आगे से कोई भी मेरे दोस्त हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फैंस हैं, थैंक यू, मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ। बैठिए आप। जी जी। तो कि प्लीज़ अगर ऐसा कुछ है, मेरी सलाह ये है कि घर पे ना ही ट्राई करें जी। कोशिश करें कि आपके क्लिनिक्स जहाँ पे भी आपका सेंटर है वहाँ पे आएँ और अपना बेहतरीन ट्रीटमेंट आपके नॉलेज से लें। कि कहते ना, ज्ञान जो होता है डॉक्टर के पास या गुरु के पास ही होता है। हाँ, अगर हर एक बच्चे के पास अपना ज्ञान अपना ज्ञान आ गया तो फिर हाँ, आप अच्छा काम कर रहे हो कि आप सबको घरों में बता रहे हो कि आप घर पे भी कर सकते हो। ठीक। इसलिए उनको और भी बेहतरीन जानकारी आपसे मिल सकती है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी मेरे हैं फ्रेंड्स हैं, वो नीरज शर्मा जी से मिलिए और बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट किया और मेरे को देखो एकदम रिलैक्स हो गया है। तो बेटर, हमारे यहाँ पर सिर्फ सर्वाइकल का ही नहीं, सारे ही तरीके का, घुटने दर्द है या बोन्स में कहीं कोई प्रॉब्लम है या गर्दन में दर्द रहता है या बहुत पुराना दर्द किसी चोट का है, तो वो सारी ही चीज़ों का ट्रीटमेंट होता है। इसके लिए आपको हमारे क्लिनिक पे विज़िट करना होगा, क्योंकि ये स्पेशल है हमारे लिए, इसलिए मैं इनके घर तक आ गया। वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि बीबी बुलबुल करके आप ज़रूर सर्च करें, इनके बारे में देखें, और जो भी लेटेस्ट आपको मिले हाँ वो आपको मिलती रहेंगी इनसे। और ये बहुत अच्छी रेसलर है, मैंने इनकी बहुत सारी फ़ाइट्स भी देखी और ये अभी बीच में काफ़ी मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पीक पे भी थी, बहुत सारी इनकी वीडियो वायरल होते रहते। तो एक बारी ज़रूर रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरे साथ साथ इनकी वीडियोज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही।